नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं जोबनेर। जोबनेर जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन द्वारा हम जयपुर जंक्शन से होते हुए हासलपुर जोबनेर स्टेशन पर उतरकर हम माता जी के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। माता जी का मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। जोबनेर में एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय भी है, जिसके कारण भी यह फेमस है। तो हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं माता जी के दर्शन के लिए। इस बड़े गेट से एंट्री करते हुए हम माता रानी के दर्शन करेंगे। जब हम इस गेट में एंट्री करते हैं तो यहाँ से ही पूरे रास्ते टीन शेड लगे हुए होते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को बरसात, गर्मी और सर्दी से बचाया जा सके। सबसे पहले हम भैरव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हम माता रानी के दर्शन करेंगे। और माता रानी दर्शन करने के लिए जैसे ही माता रानी के हम दरबार में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले गणेश पोल आता है। गणेश पोल में एंट्री करने के बाद काली माता के दर्शन होते हैं, उसके बाद में ज्वाला माता के दर्शन होते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा दरबार है माता रानी का। यहाँ पर लोग नवरात्रों में बड़े ही धूमधाम के साथ आते हैं, डीजे के साथ आते हैं, बैंड बाजा के साथ आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। नवरात्रों में देश भर से लोग यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर माता के घुटने की पूजा होती है और इनके दरबार में 24 आवर्स माता के दरबार में अखंड दीप ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। जोबनेर में जो ज्वाला माता हैं उन्हें एक शक्ति का रूप माना जाता है। माता के दर्शन के लिए नवरात्र में हजारों भक्त आते हैं और माता जी को प्रसाद के रूप में पुए, पापड़ी, नारियल, पतासे, मखाने आदि ही चढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लोग दंडोत लगाते हुए पैदल चलकर माता जी के दर्शन के लिए माता के दरबार में आते हैं। जब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो बाहर एक नौबत रखा हुआ रहता है, वहाँ पर भीड़ देख उस नौबत को बजवाते हैं। जब ये नौबत को बजवाया जाता है तो इससे माता रानी के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है। 12 साल पुराना मंदिर है ये और ऑल इंडिया से आते हैं, करीब करीब सभी कास्ट आती है। सोनी, अग्रवाल, ब्राह्मण, राजपूती, सभी कुलदेवी। और साल में 2 बार मेला पड़ता है चैत्र में रासों से। माता रानी के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ कुछ समय के लिए बैठते हैं और आराम करते हैं। तो हम आपको कुछ व्यू दिखा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही शानदार व्यू नज़र आएगा आपको यहाँ से, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है और आने वाले समय में आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर ही ऊपर पार्किंग स्थल बना दिया जाएगा, जिससे कि आप अपनी वाहन लाके यहाँ खड़ा कर सकेंगे और सीधे माता रानी के
और उनके चरणों में अपनी हाजिर लगा पाएंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ से आसानी से जा सकेंगे, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले टाइम पे माता रानी के दर्शन के लिए सीढ़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही हम पैदल चलकर माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। प्रत्येक महीने के अष्टमी और नवमी को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। नवरात्र में लोग अपने बच्चों का जड़ोला यहाँ उतारते हैं। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो प्रसाद का भोग लगाते हैं, साथ ही दंडोत लगाते हुए माता रानी के दर्शन करते हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।